दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज। अस्पतालों में चल रही खून की कमी को पूरा करने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में विश्व रक्तदान दिवस पर अमोघ संकल्प संस्था द्वारा नदौन बस अड्डा के निकट राधे कृष्णा कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजक मंडल सदस्य रिम्पल शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि इस महादान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। रक्तदान करने के बाद थाना प्रभारी प्रवीण राणा ने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए इस समय अस्पतालों में रक्त की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिस कारण ऐसे शिविरों को लगाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को आगे आना चाहिए। शिविर के दौरान हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर राकेश की अगुवाई में आई टीम ने रक्तदान प्रक्रिया पूर्ण करवाई। शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। इसमें नदौन पुलिस कर्मचारियों ने भी रक्तदान किया। आज रक्तदान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज 14 जून 2020 को जीटीआई नदौन में अमोघ संकल्प एनजीओ के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कैंप अरेंज करवाया गया है। ये सत्य है कि मानव शरीर सर्वप्रथम ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, और ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्यों ना हम रक्त की कुछ बूंदों से किसी अंधेरे चिराग का उजाला करें आकर, किसी की जान बचाएं आकर। महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने 18 श्लोकों में कहा था, उनमें से 2 श्लोक थे 18 अध्यायों में से, कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता और किसी को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। और हमारी जो पूरी टीम है इसमें अमोघ संकल्प एनजीओ की, उसने सबने मिलकर जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो अभी तक कितने लोगों ने, अभी तक लगभग 40 लोगों ने रक्तदान कर दिया है, और अभी 20-25 लोग और ऐसे हैं जो रक्तदान करने के लिए वेटिंग में। ये कैसी, कभी भी हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में या हमारे बीच में, समाज के बीच में किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें निस्वार्थ भाव से आगे आके रक्तदान करना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नदौन से एन भारती की रिपोर्ट। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देशराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। होस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में बीए, एलएलबी, एलएलबी, बीएससी नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क।